यदि आप भी खेती बाड़ी करने में रुचि रखते हैं तो नींबू की बेहतर वैरायटियों में से कागजी किस्म सबसे उन्नत किस्म है, जिसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये किस्म किसानों के लिए कितनी लाभकारी साबित हो सकती है। दरअसल इस किस्म को कागजी नींबू कहने के पीछे दो मुख्य वजह हैं। इसका छिलका कागज की तरह पतला होता है, तो वही दूसरी वजह छिलका पतला होने के कारण इसमें रस की मात्रा अधिक पाई जाती है। कागजी नींबू की खेती करने के लिए आज हम विस्तृत जानकारी उद्यानिकी विभाग के अधिकारी पीएल अहरवाल द्वारा जानेंगे। कागजी नींबू का पौधा, इसका नाम से ही जैसे कागज का नाम आता है, तो इसका छिलका कागज के जैसा पतला छिलका आता है और इसमें रस ज्यादा रहता है, इसलिए इस पौधे की डिमांड है और इस फल की डिमांड ज्यादा रहती है। इसके वृक्षारोपण के लिए विभाग की तरफ से हमारे यहाँ योजना चल रही है, जिसमें 40,000 रुपया एक हेक्टेयर पर सब्सिडी 3 साल में दी जाती है। प्रथम वर्ष 1 हेक्टेयर में 24,000 रुपया सब्सिडी दी जा रही है किसान के लिए, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष 8,000, तो टोटल सब्सिडी हो जाती है 40,000। इसकी कुल लागत रखी हुई है शासन ने 1 लाख, और 1 लाख की इकाई लागत पर 40% सब्सिडी दी जाती है। अल्प अवधि में तैयार हो जाता है पौधा, 3 साल के बाद इसमें फ्रूटिंग आना शुरू हो जाती है। और इसमें सबसे मेन समस्या जो आ रही है किसानों के पास कैंकर की और फलन कम आने की, तो उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है 1 वर्ष में 2 बार बोर्डो मिश्रण, बोर्डो पेस्ट का छिड़काव करें, बोर्डो मिश्रण का छिड़काव करें और बोर्डो पेस्ट पौधों के 1 मीटर तना तक पुताई करना, तो इससे आपको ये बीमारी की शिकायत नहीं करेगी। देखिए, प्रथम वर्ष जब हम पौधा लगाते हैं तो 3 साल तक तो हमें प्रोडक्शन लेना नहीं है, और 3 साल बाद जब हमारा फल देना शुरू करता है पौधा, तो प्रथम वर्ष 5 किलो, फिर द्वितीय वर्ष, अगले वर्ष, तो हर वर्ष 5-5, 10-10 किलो का फिर उत्पादन बढ़ना शुरू होता है। और नींबू का वजन क्या होगा? 20 ग्राम तक नींबू का साइज आता है, 20-25 ग्राम, इससे ज्यादा फल का वजन नहीं आता। अगर कोई किसान भाई लेना चाहे तो क्या दाम निर्धारित? ये हमारे यहाँ 25 रुपया प्रति पौधा उपलब्ध है, और हमारे पास अभी करीब करीब 6,000 पौधे उपलब्ध हैं नींबू। किसान है जो पिछले साल हमारे करीब 45 से 50 किसान इस योजना का लाभ ले चुके हैं, और इस साल भी अभी शुरुआत हो रही है, कुछ किसान ले गए हैं, करीब 6 किसान हमारे यहाँ से पौधे ले जा चुके हैं और कुछ पौधे अभी ले जाने वाले हैं किसान।